गुड मॉर्निंग ऑप्शन चैनल अकेडमी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर ठीक और सुरक्षित होंगे। क्लास फोर्थ आपको हिंदी का पाठ चार पढ़ाएंगे, जिस पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे। ये जो पाठ है आपका, ये एक कहानी पर आधारित है, ठीक है। इस कहानी में पापा बच्चे हैं जिनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनका जवाब हमेशा तैयार होता था। वो बहुत कुछ बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं सब कुछ बन जाऊं, तो वो ऐसा सोचते थे। ये कहानी जो है अलेक्जेंडर रश्किन ने लिखी है। चलिए बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका सारांश भी अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ओके। पापा जब बच्चे थे तो उनके अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें ये भी सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वे खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़ी होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। बच्चों, जब पापा छोटे थे ना, आप ही की तरह जैसे आप छोटे हो, तो उनसे पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है। आप जैसे छोटे हो, आपसे भी पूछा जाता है ना कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, तो आप सभी को जवाब देते हो ना। कितने बच्चे बोलते हैं कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं और कुछ टीचर्स बनना चाहते हैं। इसी तरह पापा के पास भी हमेशा जवाब तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, क्योंकि वो कभी नहीं कहते थे कि मुझे सिर्फ एक ही चौकीदार ही बनना है, ठीक है। वो अलग अलग हर इंसान को देखकर, वो हर एक नई चीज को देखते थे और वो चाहते थे कि मैं सिर्फ यही बनूंगा। इसी तरह पापा ने शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें ये भी अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। आपने देखा है ना कि आप स्कूल में शोर करते हो तो आपको टीचर्स डांटती हैं। अगर आप घर पे शोर करते हो तो आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं। अगर आप घर के बाहर शोर करते हो तो आसपास के लोग आपको डांटते हैं। तो इसी तरह उनको भी सब डांटते थे। तो उन्होंने सोचा कि सब सोते हैं, ठीक है, पूरा शहर सोया हुआ होता है रात को, तो इससे अच्छा मैं चौकीदार बन जाऊं, जिससे मैं रात को खूब शोर मचा सकता हूं। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को देखकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। देखिए, पहले तो उन्होंने चौकीदार बनने की सोच ली थी कि अब मैं बड़ा होकर चौकीदार ही बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन आइसक्रीम वाला आ गया अपने चटकदार हरे ठेले को लिए। और जब पापा जो थे, उन्होंने कहा, भाई वाह, अब तो मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा, ये ठेले को लेकर जगह जगह घूम भी सकता है, ठीक है, और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता है। और अगर मैं, पापा ने सोचा कि अगर मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद भी तो खा लूंगा ना, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वह खूब हंसे। लेकिन
पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगी। पापा जो थे, जब उन्होंने बोला कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, तो जो पापा की माता पिता थे, उन्होंने ये सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरान हुए वो, और उन्हें ये बात भी मजेदार लगी और वे खूब हंसे। अगर आपके पापा को पता चलेगा कि आप आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हो, चौकीदार बनना चाहते हो, तो आपके पापा हंसेंगे ना, मम्मी पापा हंसेंगे ना। इसी तरह उनके माता पिता भी बहुत हंसे और वो बहुत हैरान भी हुए इस बात को लेकर। पर जो पापा थे, वो उसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, अब आइसक्रीम ही बेचेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन के पास पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली कभी वे प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा को लगता है कि वो जो है खेल खेल रहा है। पापा जब एक दिन रेलवे स्टेशन के पास गए, तो उन्होंने एक अजीब से आदमी को देखा, ठीक है, नए आदमी को देखा, और वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। पापा को लगा कि डिब्बे और इंजन से वो खेल रहा है, ये खिलौने हैं, बल्कि वो खिलौने नहीं थे, इंजन और डिब्बे वो असली थे, ठीक है। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई अजीब और मजेदार खेल खेल रहा है, पापा को ऐसा लगता है ना। पापा ने पूछा, ये कौन है, ठीक है। जिससे पापा ने पूछा यह कौन है, उन्होंने बताया यह शर्टिंग करने वाला है। पापा ने पूछा, शर्टिंग किसे कहते हैं। उन्हें उत्तर दिया, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शर्टिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। जैसे रेलगाड़ी देहरादून से दिल्ली तक जाएगी, तो आपने देखा है ना, दिल्ली से जब दूसरी यात्रा बैठते हैं, दूसरे लोग बैठते हैं, तो उससे पहले रेलगाड़ी की साफ सफाई होती है, कूड़ा कचरा कर देते हैं ना। जब लोग वहाँ पर रेलगाड़ी में खाते हैं, तो कितना कूड़ा कचरा हो जाता है। तो इसलिए जब दूसरी सवारी बैठती है, दूसरे लोग बैठते हैं, तो उससे पहले रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है। ईंधन मतलब लकड़ी रखी जाती है, वहाँ पर पानी भरा जाता है, ठीक है। ऐसे ही पापा को बताया गया कि ये सब, इसे हम शटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। देखिए, जब पापा ने सोचा, बस अब तो मैं रेलगाड़ी की शटिंग ही करूँगा, ठीक है, उन्हें ये काम बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार लगा, ठीक है। उन्होंने कहा, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि मैं शर्टिंग करने वाला बनूंगा, आदमी ने पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम के काम का क्या होगा। यह सचमुच बहुत समस्या थी, वो सोच में पड़ गए थे। पापा ने शर्टिंग करने वाला बनने की तो सोच ली थी, मगर जो आइसक्रीम का चटकदार हरा ठेला था, वे भी नहीं खोना चाहते थे। गंवाने का अर्थ होता है खोना, वे खोना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। जब उन्होंने बहुत सोच विचार किया, तो उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने जवाब दिया उसी आदमी को, मैं शर्टिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा।
सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा का अर्थ होता है आश्चर्य, ठीक है। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम में सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बू की शटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बू की शटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब रेल आती है, रेलगाड़ी आती है, तो स्टेशन के पास जब उनका आइसक्रीम का ठेला होगा तो उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनको भी पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी आ गई है। उन्होंने ये सोचा। सब लोग फिर उनकी बात पर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं एक साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? क्योंकि जब उनकी सब बात पर सब हंस पड़े ना, तो पापा को बहुत गुस्सा आया। क्योंकि जब आपकी बातों पर आपके माता पिता या भाई बहन हंसते हैं तो आपको भी गुस्सा आता है ना, इसी तरह पापा को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे ना तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। रात में करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। बेटा, वायुयान चालक उसे कहते हैं जो एरोप्लेन चलाते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर सोचा कि वो अभिनेता ही बनेंगे। अभिनेता का आपको पता है, अभिनेता किसे कहते हैं? जो हीरो होती हैं, ठीक है, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है एंड अक्षय कुमार हैं, ठीक है। आप सभी के भी हीरो बहुत फेवरेट होंगे, कुछ आप जानते भी हो, आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहती थी। कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी लाते हुए गांव के पीछे भी घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। उन्होंने सोचा कि मैं जो गाय होती हैं उनके पीछे भी लाठी हिलाते हुए पूरे दिन घूमता रहूंगा, इससे मेरे जो दिन थे वो भी अच्छे से बीत सकेंगे। मैं अपने पूरे दिन उनके साथ बिताना चाहता ही था वो, ठीक है। अंत का अर्थ होता है आखिरी। अंत में एक दिन उन्होंने यह तय किया कि वह असल में क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते थे? वह कुत्ता बनना चाहते थे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों को इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भूखते रहे। अजनबियों का अर्थ हो जाए अनजान व्यक्ति, ठीक है। अजनबी हम उसको कहते हैं जो अनजान व्यक्ति होते हैं। अनजान व्यक्तियों पर भूखते रहे। एक बूढ़ी महिला जब उनके सिर को सहलाना चाहती थी तो पापा ने क्या किया? उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भूखना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर जो थे उनके कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। क्योंकि आपने देखा है ना, जो कुत्ते होते हैं वो अपने पैरों से अपने कान के पीछे खुजा लेते हैं, पर वो कैसे खुजाती? उनके जो पैर थे वो कान के पीछे नहीं जा रही थी, इसलिए उन्हें खुजाना नहीं आ रहा था। वो बहुत सीख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएंगे तो शायद वे कान के पीछे भी खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त, वक्त का अर्थ होता है समय, उसी समय एक अजनबी फौजी उधर से निकला, मतलब अनजान, ठीक है। अजनबी का मैंने अभी बताया आपको, अनजान, जो अनजान फौजी था वो उधर से निकला। वे बड़े ही खड़ा होकर देखता रहा पापा को। उन्हें लगा, कुछ देर तक तो वो देखते रहे, उन्हें लगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? अब जो पापा थे, पापा ने पूछा,
मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तो तुम अपने आप सोचो, अपने अंदर की आत्मा से सोचो। जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी चीज को सोचते हैं तो बड़ी सरलता से हम अलग बैठे और अपने बारे में अपने मन से सोच विचार करें, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस बात को आप खुद सोचो। अफसर वहां से ही चल पड़ा, पर वह ना हंसा और ना मुस्कुराया। वो ना तो हंसे थे और ना वह मुस्कुराए थे। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा के समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। देखा आपने, अफसर ने उन्हें कितनी अच्छे से समझाया और उनकी बात पापा को अच्छे से समझ भी आ गई थी। उन्होंने अचानक से ही अपना इरादा भी बदल लिया और उन्होंने सोचा कि रोज रोज इरादा नहीं बदले जा सकती। अगली बार जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से आपने ये सीखा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ बनने का मन करता है, पर बेटा अगर आप सबसे पहले सबसे अच्छा इंसान बनोगे, ठीक है, तो आप भविष्य में बहुत आगे जाओगे। इसलिए बच्चों, आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, अपने बड़ों का आदर करना है। उसके जब आप अच्छा इंसान बन जाओगे, तब आगे आप फ्यूचर में सोचना कि आप क्या बनना चाहते हो। ऑल स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम मिलेंगे आपको हिंदी की नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।